फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा टी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी होम रेमेडी के खजाने में से एक नकनोनोखी सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जी हाँ, जो कि बहुत ही अच्छी, बेस्ट और बहुत ही उम्दा किस्म की है और जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगी और आप शायद मुझे छोटा सा थैंक यू भी बोले। वैसे तो सभी जानते हैं इस रेमेडी के बारे में, जो नहीं जानते उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसके यूज करने से आपकी डेड स्किन भी चली जाएगी, आपकी टैनिंग भी चली जाएगी और आप अच्छी सी ग्लोइंग और गोरी स्किन पाएंगे। तो ये मैं भी यूज करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, इसमें क्या यूज, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है, फिर लेमन लेना है, थोड़ी हल्दी लेनी है और ये बेसन लेना है। और आपके पास दही हो या फ्रेश क्रीम हो तो क्रीम भी यूज कर सकते हैं और हनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि ये स्किन में कैसे उपयोग की जाती है। ये स्किन में हमें इसका पेस्ट बना के अपनी स्किन पर अप्लाई करना है कि कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए मैं आपको इसको बनाने की विधि बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम एक थाली बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन डालेंगे एक टीस्पून, जितना भी आपको लगाना है, जहाँ भी फेस पर, जहाँ भी हमको लगाना है। फिर थोड़ी सी हल्दी लेंगे बहुत कम मात्रा में और हम मलाई लेंगे। अगर आपके पास दही है आप दही भी ले सकते हैं, अगर आपके पास बेसन है सॉरी आपके पास दही है दही ले सकते हैं, अगर आपके पास मलाई है मलाई ले सकते हैं, बस दूध है तो दूध भी डाल सकते हैं और गुलाब जल भी डाल सकते हैं। मैं हाफ लेमन ले रही हूँ, आप फुल भी ले सकते हैं। अगर आप होल बॉडी में यूज करें तो आप फुल करिए और अगर आप हाफ बॉडी में यूज करें तो आप ये लीजिए। तो मैं लेमन निचोड़ देती हूँ इसमें, ये लेमन निचोड़ दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके सामने ही इसको मिक्स कर रही हूँ, मैं बहुत कम मात्रा में बना रही हूँ बिकॉज मुझे आपको टाइम देना है। मैं इसको नहाते वक्त यूज करती हूँ। ये देखिए, ये बन गया है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये मैंने लिया स्किन पे इस तरीके से। ये मैंने इस तरीके से स्किन में अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हमें अप्लाई करने के बाद 20 मिनट से 25 मिनट तक इसका वेट करना पड़ता है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो इसे हल्के पानी से धो लें। फ्रेंड्स, दो इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, दो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, कि कभी भी क्रीम या तेल लगी स्किन पर इसको यूज नहीं करना है, इसको पहले आप पानी से वॉश करें उसके बाद ही अप्लाई करें। दूसरा, इसको कभी भी रगड़ कर सिर्फ नहीं निकालें सूखने पर, इससे हमारी स्किन डैमेज होती है। कई लोगों के वीडियोस में और कई लोगों से मैंने सुना है कि इसे करने से हमारी डेंस, जी नहीं, डेड स्किन तो नहीं निकलेगी, ऊपर से आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो आपको रगड़कर बिल्कुल नहीं निकाल, जस्ट सूखने पर आपको पानी से इसको धो लेना है एंड कपड़े किसी भी टॉवल से पैक कर करके सुखाना है, दैट्स इट। फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको 20 मिनट सूखने का इंतजार करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सूख गया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से गीले कपड़े से इस तरीके के वॉश कर लेंगे, गीले पानी से वॉश कर लेंगे। अब इसको मैं कपड़े से सुखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सुखा लिया। अब देखिए मेरी स्किन में कितना डिफरेंस है पहले स्किन में और अभी की स्किन में, आप देख सकते हैं। तो ये सच में फ्रेंड्स इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपकी स्किन पर और इसको बहुत अच्छा बनाता है। तो आई थिंक आप यूज करेंगे, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट पर बताइए कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।